हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज जो है भाई, आपका घर से बाहर निकला था, तो आज निकला तो था लेकिन कुछ जो है माइंड में नहीं आ रहा था कि आज किस चीज़ का व्लॉग बनाए। अच्छा, तो सोचा कि क्यों ना आज जो है पुराने ज़माने के जो लोग होते थे तो वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, यूज़ नहीं करते थे, बल्कि जो है उनका दरख्त होता था तो उनसे जो है वे जो है दांत साफ करते। तो आज मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको दिखाऊं, तो देख सकते हैं भाई आपका तो जो है आज दांत इससे साफ़ कर रहा है। तो गाइस देख सकते हैं आपका भाई जो है लगा पड़ा है ब्रश करने में। देखिए आजकल जो मार्केट में आते हैं टूथब्रश वगैरह, पेस्ट वगैरह, वो सारे केमिकली आइडेंटिफिकेशन होती है उनकी, मीन्स के सारे केमिकल के बनाए हुए होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है भाई कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो वो सारी मिक्सिंग होती है केमिकल वगैरह की, लेकिन जो ये जो है नीम का जो है वो बिल्कुल नीम मस्वात जो बिल्कुल ही नेचुरली है, और आपके जो है दांत वगैरह सारे ये क्लीन करेगा। और पीछे देखें गाइस मेरा गांव, और जो है मेरी भी ये सजेशन है कि आप जो है ये इस्तेमाल करें, क्योंकि ये 100% नेचुरली है, और जो केमिकल वगैरह हमारे जो पेस्ट होते हैं तो उनसे तो ये तकरीबन 100% अच्छा है। तो मेरी सजेशन है कि आप ये इस्तेमाल करें, क्योंकि केमिकल्स वाले जो होते हैं वो तो वैसे ही दांत को तकरीबन पाँच हमें देखना रेगुलर बेस पे हमें जो है पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है। आप दो दिन करें नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके दांत ऐसे कि ऐसे होते हैं, लेकिन क्या है हम जो वो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो जंग वगैरह लग जाते हैं हमारे दांतों में, देख सकते हैं आप। तो मेरे दांतों में तो लग गए थे, लेकिन इसलिए मैं ये यहाँ आया था, तो मैंने सोचा आपको ये वीडियो भी दिखाऊँ और ऐसी नॉलेज भी दूँ, और मेरा भी फ़ायदा हो गया कि मैंने उससे आज दांत भी साफ़ किए। तो गाइस आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन आल पर क्लिक करें, और ऐसे ही जो है आपका प्यार हमें मिलता रहे। तो थैंक यू।